बोला टू स्मॉल बॉल्स और पिच बॉल्स ऑन ईच चार्ज क्यू एंड मासियम सस्पेंडेड यूजिंग आइडेंटिकल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इन इक्विलिब्रियम मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल एंगल बिटवीन स्ट्रिंग टू थीटा। डायग्राम दिया जाएगा। कैलकुलेट टेंशन चार्ज रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। अब आगे आज जो भी हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं ना, सब इस सबका बेस ही है। अब देखो, कौन सी भी बॉडी जिसका मास यम है, वो हम जब सस्पेंड करता है, ठीक है, तो उसका जो टेंशन रहता है वो टेंशन हमेशा टुवर्ड द सस्पेंशन रहता है, ये ऐसा। और वेट जो रहता है, वेट रहता है हमेशा डाउनवर्ड, एम जी। यहाँ ग्रेविटी फ्री नहीं बोला है, एम जी। अब क्या होगा, ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है ना, ये तीन फोर्स एक्ट हो रहा है। ये एफ रिपल्शन का एक्ट हो रहा है, दूर जाएगा क्योंकि लाइक चार्ज है। तो ऑन ईच स्पीयर चार्ज और स्पीयर थ्री फोर्सेस एक्ट, थ्री फोर्सेस आर एक्ट्स। कौन कौन सा बताओ? एक एम जी डाउनवर्ड, दूसरा एफ रिपल्शन हॉरिजॉन्टल, और तीसरा टेंशन टी टुवर्ड्स सस्पेंशन। याद रखो, टुवर्ड्स सस्पेंशन। अब हमको क्या करना है, टेंशन को मैंने रिजॉल्व किया कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में। ये देखो, ये इधर एक, अब ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा आना चाहिए। अब ये थी, ये टी है तो बाजू वाला आएगा टी कॉस थीटा, और इसका दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा टी को साइन थीटा। जल तो अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कि टी कॉस थीटा को जो है ना, वो टी कॉस थीटा को ये एम जी बैलेंस कर रहा है, और एफ रिपल्शन को टी साइन थीटा बैलेंस करना है। इतना ही याद रखो, तब ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, राइट। तो हमें पहला इक्वेशन लिखना है कि टी साइन थीटा को बैलेंस करना है एफ रिपल्शन। देखो, ये टी को मैंने रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा तो ये थीटा, टी कॉस थीटा एम जी बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा एफ रिपल्शन बैलेंस करेगा। ओके, अब टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी, झाला इक्वेशन। वन बाय टू करूँगी तो क्या आएगा, साइन टी टी कैंसिल होगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर आएगा एफ रिपल्शन बाय एम जी। तो एफ रिपल्शन मिलेगा एम जी टैन थीटा, इक्वेशन नंबर तीन, झाला। ओके, ये रिपल होगा, एफ रिपल्शन आएगा एम जी टैन थीटा, इधर वाला। अब ये नया फार्मूला मिला इन टर्म्स ऑफ एम जी। अब क्या करता हूँ, देखो, एफ रिपल्शन मतलब कूलम फोर्स है, वो कितना रहता है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू स्क्वायर। दोनों में का आर स्क्वायर के जगह में एक्स स्क्वायर लेता हूँ। अब पता नहीं है एंगल कितना है और डिस्टेंस कितना है, एक्स जल कितना है मेरा फोर, तो एम जी टैन थीटा और फोर बराबर थ्री लिखता हूँ, फोर बराबर थ्री, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर बराबर एम जी टैन थीटा, झाला। ओके, इसको वाई पकड़ता हूँ ना, तो ये थीटा है। इस ट्रायंगल में इसको नाम देंगे ए बी
वो सस्पेंशन को यस ए ओ एस में, ए ओ एस राइट एंगल ट्रायंगल। टैन थीटा क्या आएगा, सामने वाली पूरा एक्स है तो यह आएगा एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू बाय सामने वाली बाजू वाली वाई, तो एक्स बाय टू वाई। तो लिखो बाबा टैन थीटा बराबर क्या आया, एम जी टैन थीटा बराबर आया बोलो एक्स बाय टू वाई। ओके, तो इससे हमको एक्स क्यूब और वाई क्यूब का रिलेशन मिलेगा। तो एक्स क्यूब क्या मिलेगा, देखो ये इधर जाएगा एक्स क्यूब होगा फोर पाई सीलॉन जीरो एम सी एक्स क्यूब बराबर क्यू स्क्वायर टू वाई। तो बाकी सब कांस्टेंट है तो एक्स क्यूब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ओरिजेंटल, कभी कभी ओरिजेंटल को आर से दिखाते, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब कभी कभी साइन थीटा के फॉर्म में हमको आंसर पूछता है, टैन थीटा लिखा अब मैं साइन थीटा लिखता हूँ, बताओ बरा ए ओ एस में साइन थीटा क्या आएगा, सामने वाली एक्स बाय टू नाइन टी के सामने वाली एल, एल के फॉर्म में, तो साइन थीटा आएगा एक्स बाय टू एल झाला। तो साइन थीटा बराबर एक्स बाय टू एल इक्वेशन फोर में रखता हूँ, तो इधर लिखता हूँ देखो अब मैं यहाँ पे बदलता हूँ, तो एफ रिपल्शन का फार्मूला क्या आएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू स्क्वायर, एक्स के जगह क्या आएगा, एक्स के जगह आएगा टू एल साइन थीटा। चला तो टू एल साइन थीटा एक्स के जगह उसका स्क्वायर आएगा, तो एफ रिपल्शन बराबर क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर फोर डैश बोलता हूँ जला। अब फोर डैश इक्वल टू तीन कंपेयर करो तो क्या आएगा दोस्तों, क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे ब्रैकेट करता हूँ बराबर इक्वल टू एम जी टैन थीटा जला। तो क्या मिलने वाला है, क्यू स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो क्या आएगा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर वाला एम जी टैन थीटा। तो क्यू बराबर अंडर रूट में आ सकता है, इसको कोई सिक्सटीन भी ले सकता है, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैसे भी ले सकते हैं, फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टैन थीटा, कभी ये फार्मूला काम आएगा ठीक है। टेंशन निकालना होगा तो क्या बोलता हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो वन एंड टू से हमारे सामने है तो क्या मिलेगा, टी स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा ऐड करो टी स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एफ रिपल्शन का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का वन आएगा तो टी स्क्वायर बराबर आएगा एफ रिपल्शन स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो टी निकालना होगा तो एफ रिपल्शन स्क्वायर बराबर एम जी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। हॉरिजॉन्टल फील्ड में, हॉरिजॉन्टल फील्ड इस फील्ड तैयार करता हूँ, फील्ड कैसे तैयार करते हैं सर, इधर पॉजिटिव दे दो इधर नेगेटिव, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, हर एक चार्ज अपना यहाँ फील्ड एक लाइन तैयार करेगा फील्ड, इसमें अकेला एक पेंडुलम चार्ज्ड पेंडुलम रखा बोलेगा ऐसा, ओरिजिनली ऐसा था, अब वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा ऐसा अट्रैक्ट होगा झाल। अब क्या करेगा, वो पूछेगा कि तुमको ये एम जी होगा मास देगा इसका, इधर का फोर्स आएगा क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स रहता है क्यू क्यू ई और एम जी,
और टेंशन कैलकुलेट करो, बोलेगा जाल वही करना है, टेंशन को रिजाल्व करो, टेंशन को रिजाल्व करो, ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा। खाली यहाँ टी कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, एम जी मिलेगा। खाली यहाँ यहाँ पे देखो, एफ रिपल्शन की जगह एफ, यहाँ देखो इधर एफ रिपल्शन की जगह तुमको क्यू ई फोर्स एक्ट होगा, ये क्यू ई फोर्स एक्ट होगा। तो फार्मूला क्या आएगा फिर हमारा, दो आएगा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर फोर्स ऑफ रिपल्शन की जगह क्यू ई। बस बाकी सब इसी के जैसा ही करना है। देखो यहाँ हमको एक प्रॉब्लम दिया है, क्या बोला है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर, आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग है, अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स एफ डी डिस्टेंस अपार्ट पे, डी डिस्टेंस अपार्ट द स्पीयर आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड टेकन टू द ओरिजिनल पोजिशन। अब क्या होता है, दोनों पे सेम चार्ज होता है इसलिए वो रिपल करेगा, ये तो करेक्ट है, इक्वल टू, लेकिन पहले इतना ही फोर्स लेना है। द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस ऑन द स्पीयर। अब मैं क्या करता हूँ, लेट इनिशियल चार्जेस ऑन स्पीयर्स आर क्यू वन एंड क्यू टू। अब अट्रैक्ट हो रहा है तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो माइनस निगेटिव लेता हूँ अट्रैक्ट हो रहा है तो। हमारे पास एफ इक्वल टू फार्मूला का के वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यहाँ मैग्नीट्यूड लेता है खाली, जैसे एफ वन बोलता हूँ, आर स्क्वायर की जगह उन्होंने डी दिया है तो डी स्क्वायर ले लो, इनिशियल हो गया। अब हमको उनको टच करना है और फिर सेपरेट करना है क्यू वन और क्यू टू, और पहले डिस्टेंस पे ही रखना है। तो अब ये कितना आएगा, क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू, हाँ ये तो याद रखना चाहिए, दूसरे के ऊपर भी क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू। तो नया फोर्स कितना आएगा, एफ टू बराबर के, एक पे आया क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू, दूसरे के ऊपर भी आया क्यू वन उतना ही, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, बाय लेता हूँ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। लेकिन तुमको क्या बोला है, देखो दोस्तों तुमको बोला है कि दोनों में जो फोर्स है वो इक्वल है, ठीक है, इनको अब मैं इक्वल लेता हूँ, मतलब एफ वन बराबर एफ टू लेता हूँ, वो दिया है, गिवन है, ये हमें गिवन है। तो अब चलो करो के क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वायर, के क्यू वन माइनस क्यू टू स्क्वायर बाय फोर आएगा नीचे डी स्क्वायर। अब सेम सेम को कैंसिल करता हूँ, डी स्क्वायर कैंसिल, के मतलब यहाँ वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भूलो मत। चलो अब हमको क्या करना है, देखो दोस्तों क्या फार्मूला आया, क्यू वन क्यू टू बराबर, ये फोर इधर लेके जाता हूँ, क्यू वन माइनस क्यू टू होल स्क्वायर हुआ। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इधर फोर क्यू वन क्यू टू, हाँ इधर कितना आएगा बोलो, क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर माइनस टू क्यू वन क्यू टू। तो ये जीरो लेता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर माइनस सिक्स क्यू वन क्यू टू, वाह जलम। अब हमको क्या निकालना है, हमको इनिशियल चार्ज का रेशियो निकालना है, क्यू वन बाय क्यू टू निकालना है, कैलकुलेट करना है। तब मैं क्या करता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ से, डिवाइड बाय क्यू टू स्क्वायर,
पूरे इक्वेशन को। तो जीरो बराबर क्या आएगा, क्यू वन स्क्वायर बाय क्यू टू स्क्वायर हुआ प्लस क्यू टू स्क्वायर बाय क्यू टू स्क्वायर माइनस सिक्स क्यू वन क्यू टू बाय क्यू टू स्क्वायर जा रहा। अब क्या होगा, जीरो बराबर ये क्यू वन बाय क्यू टू होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा वन आएगा माइनस यहाँ एक क्यू टू कैंसिल होगा सिक्स क्यू वन बाय क्यू टू बराबर वही कैलकुलेट करना है। अब क्या कर देंगे, इसको ऐसा लिखता हूँ जीरो बराबर क्यू वन माइनस क्यू टू स्क्वायर माइनस सिक्स क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस वन। अब मैं थोड़ी देर के लिए क्यू वन बाय क्यू टू को एक्स मानता हूँ लेट, ठीक है एक्स मानता हूँ। तो क्या आएगा दोस्तों, जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स क्यू वन बाय क्यू टू को एक्स प्लस वन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा हो रहा, कंपेयर विथ, अब इसे हम कंपेयर करेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हम कंपेयर करेंगे। अब क्या क्या मिलेगा बोलो, ए बराबर वन मिलेगा इसका कोएफिशिएंट, बी बराबर माइनस सिक्स बोलता और सी बराबर वन। अब इस इक्वेशन के रूट्स पता है तुमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रहता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर याद रखो माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ओके तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, याद रखो माइनस बी के जगह माइनस सिक्स प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर ए सी के जगह ए बाय कितना आएगा टू वन जा। एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस सिक्स प्लस माइनस या आया थर्टी सिक्स माइनस फोर बाय टू। एक्स बराबर कितना आया, प्लस सिक्स प्लस माइनस थर्टी टू बाय टू राइट। तो कितना मिलेगा, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स प्लस माइनस थर्टी टू को लिखेंगे एट इंटू फोर बाय टू। तो एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स टू से डिवाइड करो प्लस माइनस फोर का टू आएगा बाहर टू रूट टू टू, अब टू से डिवाइड करो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री प्लस माइनस कितना आएगा देखो यहाँ ये टू टू कैंसिल होगा रूट एट जाला। तो एक आएगा एक्स बराबर प्लस थ्री प्लस रूट एट और दूसरा आएगा बोलो कौन आएगा दूसरा, प्लस थ्री प्लस लिखते नहीं हम ऐसा माइनस रूट ए जाला, मतलब आंसर आएगा हमारा थ्री प्लस रूट एट थ्री माइनस रूट एट। कभी कभी कुछ बुक में इसको ऐसा भी दिया है थ्री प्लस रूट ए माइनस साइन कॉमन निकाला, सॉरी माइनस का साइन कॉमन निकाले यहाँ माइनस कॉमन निकालो थ्री प्लस रूट एट अंदर मल्टीप्लाई करोगे ऐसा तो यही मिलने वाला है ठीक है। तो ये हमारा यक्स आया, लेकिन यक्स क्या है सर, यक्स ही हमारा है क्यू वन बाय क्यू टू है। हाँ किसका रेशियो, रेशियो ऑफ इनिशियल चार्ज, रेशियो ऑफ इनिशियल चार्जेस। ओके तो आंसर मेरा ये आया, ये बोलो सभी एक ही कैसा भी किया तो चलेगा। अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम, देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आया होगा, तो ये आया सी इजी था। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है जो नीट 2016 को आया था, टू आइडेंटिकल चार्ज और स्पीयर है,
कॉमन पॉइंट से हमने लगाया, लेंथ एल दिया है, उनका अपार्ट दोनों का डिस्टेंस डी है, पर लेकिन डी कम है एल से, म्यूचुअल रिपल्शन से दूर है। अब क्या हो रहा है, चार्ज बिगेन टू लीक हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट से दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, कांस्टेंट रेट। तो चार्ज कम होने के कारण वो ज्वल आ रहा है वेलोसिटी वी से। अब वी ज्वल आने का डिस्टेंस एक्स का, दोनों का क्या रिलेशन होगा, दोनों स्पीयर पे स्पीयर है, चार्ज कितना है क्यू क्यू ज्वल। अब किसी एक्स सेपरेशन को, एक्स डिस्टेंस को पास आ रहा है, जवल जवल आ रहा है टूवर्ड्स, क्या होगा कि वो लीकेज हो रहा है। अब ऐसा प्रॉब्लम आया कि याद रखना कि हमें उन दोनों में लेंथ एल दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और पास आना है ओरिजिनल डिस्टेंस डी था, लेकिन अब मैं एक्स मानता हूँ किसी पोजीशन को। पहले देखो यहाँ ओरिजिनल डी था, अब किसी पोजीशन को एक्स मानता हूँ, ओके। अब क्या होगा, देखो सभी जन ध्यान दो, इसको हमको रिजॉल्व करना है। इधर टेंशन, कोई डायरेक्ट याद रखेगा फार्मूला, वेट एम जी। अब टी को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना ही चाहिए, ओके। ये टी है तो ये टी कॉस थीटा होगा। अब इसका रिपल्शन करो, ये दूर जाएगा इधर, ये टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा, चलो। तो हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, टेंशन रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा, एक है टी कॉस थीटा एम जी, और दूसरा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ रिपल्शन। देखो टी कॉस थीटा जो है ये वेट को बैलेंस करेगा, हाँ, और हमारा टी साइन थीटा जो रहेगा, इधर लेता हूँ सॉरी, टी कॉस थीटा इधर है तो मैं ये जो मेरा यहाँ गड़बड़ हुआ, ये टी साइन थीटा इधर लेता, टी साइन थीटा, और रिपल्शन का फोर्स बैलेंस करेगा एफ रिपल्शन। इधर भी ऐसा ही होगा, एक तरफ ही दिखा रहा मैं, इधर भी वही होगा एम जी एफ रिपल्शन टी। तो क्या हो रहा है, तो दो कंपोनेंट हमारे बैलेंस हो रहा है इक्विलिब्रियम में। कौन कौन से दो कंपोनेंट, जरा देखो बरा, एक टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, एफ रिपल्शन को, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को। अब दोनों का रेशियो लेता हूँ, तो रेशियो लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो लेता हूँ तो ये कैंसिल होगा टी टी, तो टैन थीटा बराबर आएगा एफ रिपल्शन बाय एम जी, कोई ये डायरेक्ट याद रखेगा, तो एफ रिपल्शन बराबर आया एम जी टेन थीटा, ये कोई डायरेक्ट याद रखेगा। अब क्या करता हूँ कि हमें एफ रिपल्शन का फार्मूला पता है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। अब यहाँ x बोला है तुमको, प्रॉब्लम में क्या बोला है देखो, कि ये d बहुत कम है, मतलब दोनों में का डिस्टेंस बहुत कम है l से, तो स्मॉल एंगल में साइन थीटा बराबर टैन थीटा, ये स्मॉल एंगल होगा, l ज़्यादा है और ये बहुत जवल जवल आ रहा है, तो ये यहाँ पे l के हिसाब में x बोलता हूँ कम होगा, तो साइन थीटा लेता हूँ टैन थीटा। अब इस ट्रायंगल में मुझे ज़रा बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा, ये 90 है तो साइन थीटा बराबर आएगा सामने वाली हाफ होगा, ये एक्स बाय टू होगा, ये सेंटर है
तो एक्स बाय टू बाय 90 के सामने यल, तो आएगा एक्स बाय टू यल। तो रखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई इप्सिलॉन जीरो, एक्स के जगह रखो साइन थीटा बराबर एक्स बाय टू यल है ना, तो इधर रख देंगे हम क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी साइन थीटा के जगह एक्स बाय टू यल। वाह एक्स बाय बहुत अच्छा। अब सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर डबल लिखा क्यू स्क्वायर हाँ टू एल इक्वल टू एम जी फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर एक्स झाला। तो क्या मिलने वाला है क्यू स्क्वायर टू एल बराबर एम जी फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स क्यूब। ओके अब यहाँ हमको रिलेशन क्या मिल रहा है देखो जरा, कि ये टू कैंसिल कर सकता हूँ मैं, टू पाई मिलेगा एम जी टू पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स क्यूब बाय एल। तो इसको लिखता हूँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्यू बराबर क्या आएगा एम जी टू पाई एप्सिलॉन जीरो बाय एल। ओके आगे क्या मिलेगा आप ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पे क्या करता हूँ एक्स का पावर थ्री बाई टू लेता हूँ, अब वो पास आ रहा है मतलब एक्स बदल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, अब डिफरेंशिएट करता हूँ डिफरेंशिएट, तो क्या आने वाला है डिफरेंशिएट आएगा दोस्तों डी क्यू बाई टी टी। अब इसका ये तो कांस्टेंट है इस पूरा, हाँ इसको ऐसे रहता रहने देता हूँ, ये जो है ये मेरे। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा थ्री बाय टू, यही ध्यान दो यही इम्पोर्टेंट है, देखो एम जी बाई टू पाई एप्सिलॉन जीरो कॉन्स्टेंट थ्री बाय टू एक्स टू द पावर थ्री बाय टू माइनस वन। अभी कंटिन्यू प्रोसेस शुरू है तो ये डी एक्स बाय डी टी चेंज हो रहा है, तो फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है झाला। तो डी क्यू बाय टी टी बराबर आएगा कांस्टेंट थ्री बाय टू एक्स थ्री बाय टू माइनस वन कितना आएगा वन बाय टू, डी एक्स बाय डी टी को पास आने का रेट है उसे वेलोसिटी बोलता हूँ वी झाला, क्योंकि हमको वेलोसिटी का ही रिलेशन एक्स के साथ निकालना। अब डी क्यू बाय डी टी भी कांस्टेंट दिया है कांस्टेंट रेट से डीके डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया गिवन है ये, तो ये कांस्टेंट ए कांस्टेंट, तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट बराबर क्या लिखता हूँ थ्री बाय टू भी कांस्टेंट है बाकी इतना ही बचता है, तो एक्स टू द पावर वन बाय टू भी, मतलब इन दोनों में क्या आएगा हमें क्या निकालना था ऑप्शन देखो वी निकालना था, तो वी तो ये आता है कॉन्स्टेंट बाय एक्स टू द पावर वन बाई टू बराबर वी, तो वी बराबर कॉन्स्टेंट एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। तो ऑप्शन कौन सा आएगा देखो ये सी ऑप्शन आया, देखो पहले जैसा ही सेम प्रॉब्लम है कुछ भी फर्क नहीं है, क्या बोला है इन द गिवन फिगर, ये फिगर है टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स आइडेंटिकल मास एंड आइडेंटिकल चार्ज, दोनों का मास एम चार्ज क्यू दोनों का मास एम चार्ज क्यू दिया, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स इक्वल लेंथ एल दिया, अजुम थीटा इज स्मॉल टैन थीटा बराबर साइन थीटा उन्होंने बोला, अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन एक्स दिया कितना आएगा पूछा बस। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एफ बराबर बोलो क्या आएगा एफ बराबर एम एफ बराबर कितना आएगा एफ बराबर आएगा एम जी टैन थीटा, एफ कौन है तो एफ देखो फार्मूला पता है एफ रिपल्शन बराबर एम जी टैन थीटा।
टैन थीटा बराबर साइन थीटा ले लो, बोला उन्होंने। तो एम जी साइन थीटा, ओके। अब इसमें साइन थीटा बताओ बरा कितना आएगा इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है कौन सा भी ले लो, ये हाफ लेता हूँ, इधर वाला हाफ भी ले सकते, कितना आएगा बोलो बरा। साइन थीटा बराबर आएगा, ये पूरा एक्स है तो एक्स बाय टू बाय 90 के सामने ये एक्स बाय टू, ये तो फार्मूला कितना आएगा, एम जी एक्स बाय एफ रिपल्शन बिटवीन टू स्पीयर्स। अब एफ रिपल्शन बिटवीन टू स्पीयर क्या है, 1/4 πε0 क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर झाल, दोनों कंपेयर करो, एम जी एक्स बाय टू एल बराबर क्यू स्क्वायर बाय 4π0 एक्स क्यूब। तुम्हें को क्या निकलना था, एक्स स्क्वायर सॉरी ये इधर आया, एक्स क्यूब बराबर कितना मिलेगा देखो, ये टू टू कैंसिल करता हूँ तो ये क्यू स्क्वायर एल बाय 2π0 एम जी एक्स क्यूब बराबर, हाँ एल कैपिटल ले लेंगे हम, तो एक्स बराबर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर एल बाय 2π0 एम जी, ओके 2π0 क्या लेता हूँ एम जी, तो एक्स बराबर आया 1/3। तो आंसर आना चाहिए क्यू स्क्वायर एल बाय 2π0 एम जी 1/3, पहला एक आंसर आया। बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ जो है उनका लेंथ इक्वल दिया है, द स्ट्रिंग मेक्स एन 30 विथ ईच अदर बोला है, वेन सस्पेंडेड लिक्विड ऑफ डेंसिटी बोला है 0.8 g/cm, एंगल रिमेन सेम, सबसे इम्पॉर्टेंट है एंगल रिमेन सेम, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं इसका पहले शॉर्टकट बताता हूँ, तुमको क्या क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ स्पीयर लिखता हूँ 1.6 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8 और के निकालना है। तो शॉर्टकट क्या है, के इक्वल टू रो बाय रो माइनस सिग्मा करना, 1.6 बाय 1.6 माइनस 0.8 करना, मतलब 1.6 बाय 0.8 आएगा, तो 16/8 बराबर कितना आएगा 2, ठीक है। लेकिन तुम्हें लॉन्ग बताना इसका पूरा, तो देखो अब हम बताएंगे, पहले वो ईयर मीडियम में थे ऐसे दोनों और एंगल दोनों में 15 डिग्री था, तो हमको पता है कि उसको हम एम जी टेंशन फोर्स ऑफ रिपल्शन टेंशन को डिवाइड रिजॉल्व करता है, डायरेक्ट अब मैं लिखता हूँ तो एफ रिपल्शन का फार्मूला मिलेगा एम जी टैन थीटा, ईयर में मिलता है, किस में मिलेगा देखो ये ईयर मीडियम में मिलेगा। हमको क्या करना है, इसको वाटर में डुबाना है, लिक्विड में डुबाना है। अब इसको हम लिक्विड में डुबाएंगे तो भी हमारा जो एंगल है एंगल बदलता नहीं है, एंगल रिमेन सेम रहता है 15 डिग्री, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप क्या होगा, ये वेट एम जी वाटर में है तो इसके ऊपर ध्यान दो, बैलेंस अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर, एफ रिपल्शन का तो रहेगा ही, एफ रिपल्शन का रहेगा, लेकिन अपवर्ड फोर्स कौन सा, बायोंट बायोंट बायंसी बोलेंगे बायंसी। देखो वाटर के कारण अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, अपवर्ड फोर्स उसे बायोंसी फोर्स बोलेंगे हम, बायोंट फोर्स बोलेंगे, मतलब बायन फोर्स का फार्मूला क्या रहता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम ऑफ
स्पीयर जो भी आ रहा है वाटर में, अब स्फेरिकल बॉल आ रहा है चार्जर तो स्पीयर बोलता हूँ। दूसरा बायन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कौन सा लिक्विड है उसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना उस अपवर्ड फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा इस बॉल पे, चार्जर बॉल पे। और तीसरा रहता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बायन फोर्स जो है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा और जी के साथ रहता है। तो ये फार्मूला किसका है, देखो बायन फोर्स का है, अपवर्ड फोर्स। तो अब क्या होगा वाटर में और लिक्विड में, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर कौन बैलेंस करेगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ये mg नीचे है और बायन फोर्स ऊपर है, रो वी रो जी, ठीक है। एंगल उतना ही बोला है टैन थीटा, एंगल उतना ही रहेगा टैन थीटा, ओके। तो ये हमने लिया है राइट। तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि वॉल्यूम पता नहीं है स्पीयर का, तो डेंसिटी ऑफ स्पीयर बराबर हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के जगह मैं लिखता हूँ मास बाय डेंसिटी। तो एफ लिक्विड, लिक्विड में कितना फोर्स एक्ट होगा, एम जी, वॉल्यूम के जगह रख दो एम बाय रो सिग्मा जी, टैन थीटा के जगह टैन थीटा, एंगल बदलता नहीं जाला। अब इसमें से एम जी कॉमन निकालो तो रो माइनस सिग्मा आएगा इनटू टैन थीटा, ओके। ये किस में आया, देखो ये एफ लिक्विड में आया, इक्वेशन नंबर दो। अब हमारा पहला इक्वेशन था वन बाय टू कर देंगे, वन क्या था देखो बरा, वन था हमारा ये एफ ईयर बराबर एम जी टैन थीटा, तो एफ ईयर बाय एफ लिक्विड बराबर लेता हूँ एम जी टैन थीटा बाय एम जी, यहाँ रो रह गया है, बाय रो माइनस सिग्मा बाय रो टैन थीटा, सेम सेम वाला कैंसिल कर देंगे, एम जी टैन थीटा कैंसिल, ये रो ऊपर जाएगा रो माइनस सिग्मा। लेकिन बताओ आप एफ ईयर बाय एफ लिक्विड को मैं के बोलता हूँ डाई इलेक्ट्रिक, तो डाई इलेक्ट्रिक का फार्मूला आया रो माइनस रो बाय सिग्मा, ये था 1.6, ये 1.6 माइनस 0.8, आंसर आया 2.